हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होयान। वियतनाम में आगे का सफ़र हम जारी रखते हुए वियतनाम को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आगे देखेंगे कि वियतनाम के होयान शहर में क्या क्या है घूमने को। साथ में बने रहिए और व्लॉग को देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। होयान को बेसिकली सिटी ऑफ लैंटेन्स कहा जाता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाउन है सेंट्रल पार्ट ऑफ वियतनाम। तो इसको सिटी ऑफ लैंटेन्स क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानने के लिए आप बने रहिए इस व्लॉग में, आगे हम देखेंगे। अगर आपको होयान सिटी आना है तो आपको दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर कर यहाँ से एक कैब करनी होगी जो कि आपको एयरपोर्ट के बाहर से मिल जाएगी, या फिर आप ग्रैब एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका एक मिनिमल चार्ज 1000 से 1100 रुपये आपसे लिया जाएगा। अभी हम इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे साथ होयान। दानांग पे उतरकर हमने कैब की और सीधा पहुंच गए अपने होटल। होटल्स आपको होयान में 2 से 2500 के पर नाइट के चार्जेस पे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। शाम होते ही हमने सोचा कि क्यों ना हम पैदल ही सिटी को एक्सप्लोर करें, और पैदल ही हम निकल पड़े सिटी को एक्सप्लोर करने। अगर आप चाहें तो साइकिल भी रेंट कर सकते हैं, कई होटल्स भी साइकिल प्रोवाइड करते हैं। होयान के एंशिएंट टाउन में बाइक्स नहीं अलाउड है, तो यहाँ आप सिर्फ साइकिलिंग कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं स्ट्रीट्स पे। इस स्ट्रीट पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप लैंटर्न मेकिंग सीख भी सकते हैं। साथ साथ में अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप इस स्ट्रीट पे वॉक करते हुए बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। होयान की एक और भी खासियत है, यहाँ के टेलर्स बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। आप कोई भी ड्रेस उन्हें दिखाते हैं वो एज इट इज़ आपको बना के दे देते हैं। मेरी रिकमेंडेशन में आप बीबी टेलर विजिट कर सकते हैं। रात होते ही होयान शहर बिल्कुल जगमगा उठता है। चारों ओर रिवर में आपको बहुत सारी लैंटर्न बोर्ड्स देखने को मिलती हैं, जिसमें बैठ के आप नाइट को एंजॉय कर सकते हैं। दो लोगों के लिए इस बोट राइड की कॉस्ट लगभग 500 रुपये होती है। लोकल्स का ऐसा मानना है कि इस नदी में लैंटर्न्स बहा के विश मांगने पर आपकी वो विश पूरी होती है। यहाँ नदी के दोनों तरफ बहुत सारे आपको कैफेज दिखेंगे जहाँ पर बैठ के आप स्नैक्स और ड्रिंक को इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वियतनाम में इंडिया की याद आ रही है तो आप बाबाज किचन विजिट कर सकते हैं और इंडिया के ऑथेंटिक टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। दो लोगों के लिए एक मील की कॉस्ट जो आएगी आपको वो लगभग 1500 से 2000 के बीच में रहेगी। सुबह उठ के दूसरे दिन हम कोकोनट आइलैंड टूर के लिए चले गए। हमारे होटल से ये डिस्टेंस लगभग 10 मिनट की थी। यहाँ पहुँच के हमने देखा कि बहुत सारी
बास्केट बोट्स नदी में तैर रही थी। ये व्यू कुछ अलग ही दिख रहा था। हम लोग हैरान थे इस सारी चीज़ों को देख के, जहाँ पर बड़े बड़े बास्केट बोट्स आपको देखने को मिल रहे थे। साथ साथ में नदियों के बीच से हमारी बास्केट बोट निकलती थी, तो ऐसा लगता था मानो जंगल के बीच में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ के लोकल्स बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स का टूर कराते हैं जो कि फेमस है इस पूरे कोकोनट आइलैंड पे। इस कोकोनट आइलैंड की खासियत ये है कि यहाँ पर दुनिया में सिर्फ इस जगह पे आपको वाटर कोकोनट देखने को मिलते हैं। वाटर कोकोनट बेसिकली पानी के अंदर उगने वाले कोकोनट होते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा सिमिलर टेस्ट पाएंगे कोकोनट जैसा। ये पूरा टूर लगभग एक घंटे का था, जिसमें हमारा पिकअप होटल से था और ड्रॉप ऑफ भी होटल पे ही था। यू कैन से द सेम हियर इन द वीडियो, या से हेलो इन इंडिया, आर यू नंबर वन, नमस्ते, या नमस्ते, नमस्ते, वियतनाम शिनचाओ, शिनचाओ, नमस्ते। इस पूरे टूर की कॉस्ट लगभग 2200 रुपए होती है दो लोगों के लिए, जिसमें पिकअप और ड्रॉप ऑफ दोनों इंक्लूडेड था। How to go straight? Okay. Very good. Dalo, dalo. इस पूरे टूर को हमने काफी एंजॉय किया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, नेक्स्ट सीरीज में, वियतनाम की।